फ्रेंड्स, इन माय यूट्यूब चैनल अमित गुप्ता ड्रग फार्मकोलॉजी। टुडे वी डिस्कसिंग अबाउट द नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग के लिए हम नेसिड्स नाम से भी जानते हैं। आप देखोगे नेसिड नाम से, बेसिकली ये नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग हैं। ये आपके इन्फ्लामेशन को कम करती हैं, साथ में पेन को कम कर देती हैं, साथ में कुछ एंटी पैरेटिक भी इफेक्ट होती हैं। यानी दे हैव ए थ्री प्रॉपर्टी, एंटी इन्फ्लामेटरी, एंटी पैरेटिक्स एंड इन्फ्लामेशन को सप्रेस करेंगे, एंटी पैरेटिक और एनाल्जेसिक भी काम करते हैं, इनके पेन को भी रिलीफ करते हैं। तो नाउ वी स्टार्ट द नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स। नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग आर पेरिफेरली एक्टिंग एनाल्जेसिक कंपाउंड। ये पेरिफेरली एक्टिंग होती है, यानी सीएनएस अफेक्ट ना होके जहाँ जिस पोजिशन में, जिस ऑर्गन में, जिस ऑर्गन के पार्ट में या ये पेन हो रहा होगा या इन्फ्लामेशन हो रहा होगा, तो वहाँ पर ये एक्ट होके उस सिम्टम्स को, पेन को और इन्फ्लामेशन को ये कम करेंगे। जबकि हमने आपको बताया था कि मॉर्फिन, कोडीन ये सभी जो हैं वो सेंट्रल एनाल्जेसिक होती हैं। जैसे टर्माडोल जो आती है ड्रग्स, वो क्या है, सेंट्रल एनाल्जेसिक है, वो आपके सीएनएस अफेक्ट होकर आपके पेन को रिलीव करती है। जबकि ये पेरिफेरल एक्टिंग एनाल्जेसिक ड्रग्स होती हैं। ठीक है, दीज आर नॉट एक्ट ऑन सीएनएस एंड इनहिबिट द पेन इम्पल्स। दीज ड्रग्स एक्ट ऑन द पेरिफेरल, ये पेरिफेरल एंड इनहिबिट द प्रोडक्शन ऑफ द इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स। ये आपके इन्फ्लेमेटरीज के प्रोडक्शन को कम कर देंगे और पेरिफेरली एक्ट होती हैं। ठीक है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एंटी पैरेटिक ड्रग्स बिकॉज इट इनहिबिट द इफेक्ट ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन ऑन हाइपोथैलेमस। इसको हम एंटी पैरेटिक ड्रग के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ये ब्लड, ये जो प्रोस्टाग्लैंडिन के जो इफेक्ट होते हैं हाइपोथैलेमस, उसको कम कर देते हैं, जिसकी वजह से बॉडी का टेम्परेचर भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। क्लासिफिकेशन की बात करेंगे तो फर्स्ट कैटेगरी नॉन नॉन सेलेक्टिव कॉक्स इनहिबिटर आते हैं, जिसमें एस्पिरिन है, इबुप्रोफेन है, फ्लुप्रोपिन है, नाइक्लोप्रोक्सिन है, मेफेनामिक एसिड है, प्रोक्सिकॉम है, केटोरेफिक है, एंडोमिथासिन है और बिटाइल फिनाइल ब्यूटाजोन्स है। प्रेफरेंशियल कॉक्स टू इनहिबिटर जो कॉक्स टू इंजन को ही के पहले इनहिबिट करते हैं, प्रेफरेंस होता है उनको, निबोसुलाइड्स है, मेलोक्सिक्विम है, टिडोक्लेक है, डाइक्लोफेनेक है और इसलोफेनेक है। इसके बाद सेलेक्टिव कॉक्स टू इनहिबिटर जो केवल कॉक्स टू को ही इनहिबिट करते हैं, सीरोकॉक्सिक, एट्रोकॉक्सिक और पैराकॉक्सिक। एनाल्जेसिक बट पुअर एंटी इन्फ्लेमेटरी में एक्टिविटी होती है, एनाल्जेसिक तो होती हैं लेकिन एंटी इन्फ्लेमेशन कम सप्रेस करते हैं, साथ में इनमें एंटी पैरेटिक एक्शन अच्छा होता है, तो वो आपकी पैरासिटामोल, मिटाजीमोल और नेफाकॉम। ठीक है, तो यहाँ पर मैं पहले आपको मैकेनिज्म समझने से पहले, मैकेनिज्म हम तब क्लियर हो पाएगी जब हम इस चीज़ को समझ पाएंगे। देखिए, जैसे क्या है कि हमारे कोई केमिकल या मैकेनिकल या स्टिमुली हुई है, जिसके कारण क्या हो, हमारी सेल मेम्ब्रेन की डैमेज होने की वजह से क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन जो फास्फोलिपिड होता है, वो आपका व्यक्ति जो केमिकली मैकेनिकली कोई स्टिमुली, मतलब क्या है, केमिकली मैकेनिकली कोई भी सेल में इंजरी हुई, उस वजह से क्या हुआ, जो सेल मेम्ब्रेन है वहाँ से फास्फोलाइपेस ए एंजाइम रिलीज हुआ और फास्फोलाइपेस ए एंजाइम क्या करेगा, मेम्ब्रेन फास्फोलिपिड को एसिटोनिक एसिड में चेंज कर देगा। ये एसिटोनिक एसिड दो पाथवे काम करता है, एक आपका साइक्लो ऑक्सीजनेस पाथवे, दूसरा आपका लिपो ऑक्सीजनेस पाथवे। साइक्लो ऑक्सीजनेस एंजाइम को हम कॉक्स एंजाइम से भी नाम से जा सकते हैं, शॉर्ट में जाना चाहें, और लिपो ऑक्सीजनेस एंजाइम को हम लॉक्स एंजाइम यानी शॉर्ट में लॉक्स के नाम से भी जान सकते हैं। ये आपका साइक्लो ऑक्सीजनेस कंपाउंड क्या करेगा, लास्ट में आपका प्रोडक्शन करेगा थ्रोम्बोक्सिन सिंथेटाइज को प्रोस्टाग्लैंडिन को लिए, यानी जो पीजीडी आप देख रही हैं, ये आपके प्रोस्टाग्लैंडिन है, टी एक्स ए टू टी एक्स बी डी ये थ्रोम्बोक्सिन है और PGI2 है ये प्रोस्टाग्लैंडिन है। ठीक, प्रोस्टासाइक्लिन है, तो प्रोस्टासाइक्लिन, प्रोस्टाग्लैंडिन थ्रोम्बोक्सिन सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, कॉक्स एंजाइम यानी साइक्लो ऑक्सीजनेस एंजाइम्स। ठीक है, इसके बाद आपका लिपो ऑक्सीजनेस होता है जो आपके लिकोट्राइन की सिंथेसिस करता है, जो बाद में LTE4 LTD4 ये सब फॉर्म होते हैं, ये लिकोट्राइन होते हैं। ठीक, तो ये क्या, देयर आर द टू फॉर्म ऑफ साइक्लो ऑक्सीजन एंजाइम। जो साइक्लो ऑक्सीजन एंजाइम दो टाइप का होता है, कॉक्स वन यानी साइक्लो ऑक्सीजनेस वन और दूसरा कॉक्स टू यानी कि साइक्लो ऑक्सीजनेस टू। तो कॉक्स वन है तो प्रोड्यूस, जो कॉक्स वन होता है वो प्रोड्यूस होता है नॉर्मल सेल्स से, नॉर्मल सेल्स एंड टिश्यू में मेंटेन द होमोस्टेसिस, बॉडी के होमोस्टेसिस को मेंटेन करने के लिए नॉर्मली सेल से कॉक्स वन साइक्लो ऑक्सीजनेस एंजाइम प्रोड्यूस हो रहा है, जबकि कॉक्स टू होता है इंड्यूस बाय द इन्फ्लेमेटेड सेल्स मीडिएटेड बाय द इन्फ्लामेशन, या इन्फ्लामेशन की वजह से इन्फ्लेमेटरी सेल्स से रिलीज होने वाला क्या है, कॉक्स टू है। इसलिए कॉक्स टू इनहिबिटर्स ही हमारे बॉडी के इन्फ्लामेशन को, बॉडी के पेन्स को मेनली रिलीफ करते हैं एज कम्पेयर टू द कॉक्स वन इनहिबिटर। इसलिए आपने देखा होगा क्लासिफिकेशन में नॉन सेलेक्टिव है, दूसरा प्रेफरेंशियल कॉक्स टू, कॉक्स टू को केवल इनहिबिट कर ज़्यादा पहले कर रहे हैं और उसके अलावा केवल कॉक्स टू को इनहिबिट कर रहे हैं, वो हमने यूज़ किए हैं,
जो कॉक्स टू इनहिबिट कर देंगे तो उसकी वजह से क्या होगा, प्रोस्टाग्लैंडिन का सिंथेसिस रुक जाएगा या पोस्ट लिकोट्राइन का सिंथेसिस जो सॉरी थ्रोम्बोक्सिन या थ्रोम्बोक्सिन सिंथेसिस रुक जाएगा, जिसकी वजह से पेन या इन्फ्लेमेशन जैसी रिएक्शन होती है वो सप्रेस हो जाती है। आगे देखेंगे तो समझ में आ जाएगा आपको, जैसे पोस्ट फंक्शन ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन, प्रोस्टाग्लैंडिन की वजह से क्या होता है, डायरेक्टली कॉज पेन, ये पेन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, इनहांस द पेन इंड्यूसिंग इफेक्ट ऑन ब्रेडीकाइनिन, ये ब्रेडीकाइनिन के लेवल को बढ़ाकर पेन को और बढ़ा देती है, और फीवर के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। जब ये प्रोस्टाग्लैंडिन हाइपोथैलेमस में हमारे बढ़ आता है, ब्रेन के हाइपोथैलेमस में पहुंचेगा तो ये हमारे बॉडी के टेम्परेचर को भी बढ़ाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है फीवर के लिए भी। फंक्शन ऑफ थ्रोम्बोक्सिन, थ्रोम्बोक्सिन जो फॉर्म होता है वो प्लेटलेट एग्रीगेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ये मैंने आपको पहले बताया था, वैसे कॉन्स्ट्रक्शन भी करता है, साथ में आपके इन्फ्लेमेटरी फंक्शन इन्फ्लेमेटरी सेल्स के फंक्शन को भी बढ़ा देगा, ठीक है। इसके अलावा हिस्टामिन जो होते हैं, हिस्टामिन में आप बता चुका हूँ, कंजेशन स्वेलिंग करेंगे, बॉन की कॉन्स्ट्रक्शन करेंगे, सीजिंग वाटर आई फ्लो, इचिंग करेंगे और प्रेशर ऑफ पेन को बढ़ा देते हैं। इसके अलावा लिगोट्राइन जो है वो आपका परमेबिलिटीज वेसल्स की परमेबिलिटी को कम इंक्रीज़ कर देते हैं, साथ में स्टिमुलेट करते हैं प्लेटलेट एग्रीगेशन के लिए। तो मेनली जो हम जो कॉक्स टू इनहिबिट करते हैं, कॉक्स टू इनहिबिटर देते हैं, यानी कि जो एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स जितनी भी होती हैं नॉन स्टेरॉयड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, वो आपके प्रोस्टाग्लैंडिन की सिंथेसिस को कम कर देंगे, साथ में प्रोस्टाग्लैंडिन की सिंथेसिस कम करेंगे, थ्रोम्बोक्सिन सिंथेसिस कम करेंगे, जिसकी वजह से क्या होता है, इन दोनों के जो के कारण जो इफेक्ट आ रहे हैं वो आपके क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, ठीक है। जैसे आप देखेंगे पेन और फीवर ड्यूरिंग द इन्फ्लेमेशन कैसे होता है, तो पेन जो हो रहा है वो किस तरह से होता है, PGE2 यानी कि प्रोस्टाग्लैंडिन सेंसिटाइज द नर्व टर्मिनल, जो नर्व्स होती हैं उनको सेंसिटाइज कर देता है टू द एक्शन ऑफ ब्रेडीकाइनिन, प्रोस्टाग्लैंडिन, हिस्टामिन एंड अदर लोकल मीडिएटर्स रिलीज इन्फ्लेमेटरी टिश्यू एंड कॉज पेन, जिसकी वजह से पेन जनरेट होता है। मतलब एक तरह से PGE2 यानी कि पेन जो प्रोस्टाग्लैंडिन है वो पेन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, फीवर पैरोजेंस के कारण या साइटोकिन के कारण या इंटरल्यूकिन और केमिकल मीडिएटर्स एक्टिवेट ड्यूरिंग द इन्फ्लेमेशन एंड इन्फेक्शंस, डिजीज कंडीशन विच स्टिमुलेट द प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस इन द हाइपोथैलेमस एंड टेम्परेचर सेट अ पॉइंट टू बी राइज, चाहे पैरोजेंस की बात करें, साइटोकिन की बात करें, इंटरल्यूकिन की बात करें, केमिकल मीडिएटर्स भी हो सकते हैं, तो ये सब इन्फ्लेमेशन करते हैं या इन्फेक्शन बैक्टीरिया कारण हो सकता है या ऐसी डिसीज की हो सकती है, तो जो क्या करते हैं डायरेक्टली क्या करते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन लेवल बढ़ा देंगे, और प्रोस्टाग्लैंडिन के लेवल जब हाइपोथैलेमस में बढ़ जाएगा तो हाइपोथैलेमस में बढ़ने के कारण क्या होता है, बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है, ये बॉडी के टेम्परेचर के रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो इनडायरेक्टली आपको यहाँ से ये पता लग गया, प्रोस्टाग्लैंडिन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दो फैक्टर्स, पहला आपका पेन, अगर प्रोस्टाग्लैंडिन बढ़ेगा तो पेन भी बढ़ेगा और साथ में प्रोस्टाग्लैंडिन बढ़ेगा तो फीवर भी बढ़ेगा, यानी कि प्रोस्टाग्लैंडिन लेवल को कम करना है तो कॉक्स टू एंजाइम को इनहिबिट, कॉक्स टू कॉक्स के एंजाइम को इनहिबिट कर दें तो प्रोस्टाग्लैंडिन का प्रोडक्शन ही नहीं होगा, जब प्रोडक्शन नहीं होगा तो जब प्रोस्टाग्लैंडिन है ही नहीं, अमाउंट कम हो गया तो पेन भी कम होगा साथ में फीवर भी कम हो सकता है। तो ये सभी जितनी ड्रग हैं एनएसएडीज नॉन स्टेरॉयड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, वो सब क्या करती हैं, कॉक्स एंजाइम यानी कि साइक्लोऑक्सीजिनेज एंजाइम्स, ये साइक्लोऑक्सीजिनेज एंजाइम को इनहिबिट करती हैं, जिससे कि प्रोस्टाग्लैंडिन का प्रोडक्शन रुक जाता है, जब इनका अमाउंट प्रोस्टाग्लैंडिन कम होगा तो पेन भी कम होगा साथ में फीवर भी जैसी कंडीशन भी कम हो जाएगी, जैसे नीचे दे रखा है। एनाल्जेसिक एंटीपैरेटिक एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शन क्यों प्रोड्यूस होता है, ड्यू टू द इनहिबिटेशन ऑफ इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स लाइक ए प्रोस्टाग्लैंडिन हिस्टामिन थ्रोम्बोक्सिन लिकोट्राइन, जब प्रोस्टाग्लैंडिन हिस्टामिन थ्रोम्बोक्सिन लिकोट्राइन का सिंथेसिस कम हो जाएगी या तो ऑटोमेटिक क्या होगा, ये एनाल्जेसिक एंटीपैरेटिक एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट प्रोड्यूस होता है, ठीक। आगे बढ़ते हैं, इन्फ्लेमेटरी इज द बॉडी रिस्पॉन्स टूवर्ड द इंजरी स्टिमुलेशन, इन्फ्लेमेशन कब होता है, जब हमारी बॉडी में कोई भी सेल में इन्फ्लेमेशन तभी होगा जब वहाँ पे इंजरी हुई होगी, इट इज़ अ प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स होता है इन्वॉल्विंग द इम्यून सेल्स एंड सेल मीडिएटर्स, जरूरी है इन्फ्लेमेशन क्यों जरूरी है, अगर हमारा कहीं कट गया है, कहीं कुछ दब गया है शरीर का कुछ सेल की, तो वहाँ रेडनेस नहीं होगी तो आपको पता कैसे लगेगा, पेन नहीं होगा तो पता कैसे लगेगा, पेन की वजह से तो आपको पता लग पाता कि मेरा हाथ जल गया है, मेरा हाथ कट गया है या क्रोच लग गई है, चोट लग गई है, तो पेन यानी इन्फ्लेमेशन होना जरूरी है। पेन क्या है, पेन इज़ द सिम्टम, पेन इज़ द कंडीशन ऑफ इन्फ्लेमेशन, ठीक है, ये प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स है, अगर आपको पेन नहीं होगा तो पता चला कि आपका बहुत ज़्यादा इंजरी बढ़ती जा रही है, वो पता ही चलेगा इंजरी कितनी हो गई, इसलिए पेन भी बहुत ज़रूरी है। इट इज़ प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स इन्वॉल्विंग द इम्यून सेल्स एंड केमिकल मीडिएटर्स, इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स इंक्लूडिंग ए चार रिस्पॉन्स होते हैं जिस जो इन्फ्लेमेशन के रिस्पॉन्स पे इन्फ्लेमेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, पहला बार्म, जहाँ भी इन्फ्लेमेशन होगा वहाँ का ऑर्गन क्या होगा या वहाँ का पार्ट क्या होगा, गर्म हो जाएगा। डोलर यानी कि पेन, जहाँ भी इन्फ्लेमेशन होगा वहाँ पेन भी होगा। थर्ड रेडनेस, जहाँ इन्फ्लेमेशन होगा वहाँ रेडनेस हो जाएगी।
एंड लास्ट इज द स्वेलिंग, जहाँ भी इन्फ्लामेशन होगा स्वेलिंग होता है। चार सिम्टम्स मेन है इन्फ्लामेशन के, पहला क्या है आपका बर्न गर्म हो जाना, दूसरा क्या है पेन हो जाना, तीसरा क्या है रेडनेस हो जाना, और लास्ट वन इज द स्वेलिंग हो जाना। ठीक, वाई इन्फ्लामेशन शुड बी कंट्रोल, इन्फ्लामेशन कंट्रोल करना जरूरी क्यों है, जरूरी इसलिए है क्योंकि इन्फ्लामेशन जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो हमारे लिए हार्मफुल बन जाता है। इन्फ्लामेशन कैन बी एक्सेस एक्सटेंडेड बिकम हार्मफुल, जब बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो बिकम हार्मफुल हो सकता है। एक्सट्रीमली इन्वॉल्व इनकन्वीनियंस टू द पेशेंट, और जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा तो पेशेंट उसे झेल नहीं पाएगा। एंड टू रिड्यूस द सिम्टम लाइक फीवर एंड पेन, और पेन और फीवर को लाइक सिम्टम्स को कम करने के लिए भी हमें इन्फ्लामेशन कम करना पड़ेगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं ड्रग की। पहले हम बात करते हैं एस्पिरिन की, जिसे आप सब जानते हैं, डिस्प्रिन नाम से आती है। एस्पिरिन इज ए नॉन सेलेक्टिव इनहिबिटर्स ऑफ कॉक्स एंजाइम्स एंड सप्रेस द प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस, ये मोड ऑफ एक्शन हो गया। इंडिकेशन की बात करें कहाँ कहाँ हम इसे देते हैं, माइल्ड टू मॉडरेट पेन में हम देंगे, चाहे हेडेक की बात हो, बैकेज की बात हो, जॉइंट पेन हो, टूथ एच हो, डायस्मेनोरिया यानी कि प्रेगनेंट जो आपका मेंस्ट्रुएशन साइकिल के ड्यूरेशन में जो पेन होता है उसे माइस में डायस्मेनोरिया बोलते हैं, उस कंडीशन में भी दे सकते हैं। जैसे कि एस्पिरिन अगर 600 एमजी देनी पड़ेगी तो उसी की जगह कोडीन 60 एमजी देनी पड़ेगी और मॉर्फिन 6 एमजी देनी पड़ेगी, यानी जो एस्पिरिन 600 एमजी का जो इफेक्ट होगा वो मॉर्फिन 6 एमजी के बराबर होगा। इसके अलावा एंटी पैरेटिक इन द फीवर, ये फीवर के टाइम में क्या होगा, एंटी पैरेटिक इफेक्ट देते हैं यानी कि फीवर को कम कर देंगे। एंटी इन्फ्लामेटरी इन द एक्यूट रूमेटिक फीवर, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस दोनों ही कंडीशन में क्या होता है, इन्फ्लामेशन को कम करते हैं, चाहे आर्थराइटिस की बात करें, चाहे ऑस्टियोआर्थराइटिस की बात करें, रूमेटिक फीवर की बात करें। एंटीप्लेटलेट एजेंट्स इन द एथेरोस्क्लेरोसिस पोस्ट ऑपरेटिव मायोकार्डियल इन्फेक्शंस एंड पोस्ट स्ट्रोक डिसीज पेशेंट्स, मैंने आपको पहले बता चुका हूँ, जब आपको हार्ट वाले डिसीज में मैंने ड्रग पढ़ाई थी तो उसमें बताया था कि एस्पिरिन ऐसे यूज़ होती है, ऐसे एंटी प्लेटलेट एग्रीगेशन, एंटी प्लेटलेट एग्रीगेशन जो प्लेटलेट को एग्रीगेट को कम करेगी, जिसकी वजह से ब्लड में क्लॉट होने के चांसेस कम हो जाते हैं, जो कार्डियक कंडीशंस होती हैं यानी कि एथेरोस्क्लेरोटिक डिसीज़ में हेल्पफुल होगा, पोस्ट ऑपरेटिव मायोकार्डियल इन्फेक्शंस में हेल्पफुल होता है, साथ में स्ट्रोक भी, पोस्ट स्ट्रोक पेशेंट्स हैं उनमें भी हेल्पफुल होता है। इसलिए ऐसे एस्पिरिन की लो डोज 75 एमजी ऑफ एस्पिरिन इज मोस्टली यूज इन द केस ऑफ एथेरोस्क्लेरोटिक डिसीज या पोस्ट ऑपरेटिव मायोकार्डियल इन्फेक्शन या पोस्ट स्ट्रोक पेशेंट्स। डोज इसकी कम होती है, अबाउट 75 एमजी दी जाती है, लेकिन आपको अगर एंटी पैरेटिक एंटी इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स चाहिए तो आपको डोज लगभग 500 एमजी के पास पास देनी पड़ेगी, तभी आपको रिस्पॉन्स गेन होगा। डोज चेंज होने पर रिस्पॉन्स चेंज हो रहा है, 75 एमजी में आपका एंटी इन्फ्लामेटरी इफेक्ट नहीं आएगा, 75 एमजी में आपका ओनली एंटी प्लेटलेट एक्शन आते हैं, प्लेट के एग्रीगेशन को ये रोक देते हैं। ठीक है, एस्पिरिन प्रिस्क्राइब इन ए स्मॉलर डोज एस मीन इज लोअर द रिस्क ऑफ हार्ट अटैक, मैंने बताया था आपको, अगर स्मॉलर डोज हम किसी पेशेंट को कंटिन्यू दे रहे हैं तो उसके हार्ट अटैक के चांसेस कम हो जाएंगे, क्योंकि ये क्या करेंगे, प्रिवेंट द क्लॉटिंग एक्शन ऑफ द प्लेटलेट, प्लेटलेट के कॉगुलेशन को इनहिबिट करते हैं, या प्लेटलेट एग्रीगेट नहीं हो पाएगा तो क्लॉट फॉर्म नहीं हो पाएगा, क्लॉट जब फॉर्म नहीं होगा तो क्लॉट के फंसने के चांसेस कम हैं, यानी कि ब्लॉकेज के चांसेस कम हो पाएंगे। इसलिए किसी हार्ट अटैक किसी को पेशेंट है या कोई हार्ट अटैक वाला पेशेंट है उसमें रिस्क को ये कम करता है। 300 टू 600 एमजी टीडीएस एनाल्जेसिक एंटीपैरेटिक एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट देते हैं, जबकि 75 टू 150 एमजी जो ओडी दी जाती है दिन में एक बार, टीडीएस मतलब तीन बार, ओडी मतलब एक बार, तो 300 से 600 एमजी टीडीएस एनाल्जेसिक के लिए, एंटीपैरेटिक इफेक्ट के लिए, एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शन के लिए देनी पड़ेगी, एनाल्जेसिक मतलब पेन के लिए, एंटीमाइटरी मतलब फीवर कम करने के लिए, और एंटी इन्फ्लामेटरी इन्फ्लामेशन को कम करने के लिए 300 से 600 एमजी आपको ड्रग तीन टाइम देनी पड़ेगी। जबकि आपको अगर माइकोडिन इन्फेक्शन या स्ट्रोक की पेशेंट को देना है तो ऐसे एंटीप्लेटेड एग्रीगेशन के लिए तो 75 से लेकर 150 एमजी आप वो डी ड्रग दे सकते हैं, दिन में एक बार दे सकते हैं। ठीक, अब बात करते हैं इसके एडवर्स इफेक्ट की, तो गैस्ट्रोम्यूकोसल डैमेज, मैंने आपको बताया था म्यूकोसो को डैमेज कर सकता है, अल्सरेशन भी चांसेस हो सकते हैं, पहले बता चुका हूँ, क्योंकि ये क्या करते हैं मेनली, ये आपके जो गैस्ट्रिक म्यूकोसा है उसमें इरिटेशन प्रोड्यूस करते हैं, साथ में हमारे ये जो आपके हैं वो एसिड प्रोडक्शन को बढ़ा देते हैं, जिसकी वजह से अल्सरेशन चांसेस बढ़ जाते हैं। हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन होती है, सेलेसिज्म यानी कि सेलेसिड का एक्यूमुलेशन जब हो जाएगा हमारी बॉडी में तो उसे सेलेसिज्म बोलते हैं, सेलेसिलिक एसिड का, तो उसमें डिजनेस है, टिटनेस, वर्टिगो है, रिवर्सिबल इंपेयर्ड हियरिंग विजन्स, रिवर्सिबल इंपेयरमेंट ऑफ हियरिंग और विजन में प्रॉब्लम हो जाती है, एक्साइटमेंट एंड मेंटल कन्फ्यूजन होगा, हाइपर वेंटिलेशन, इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस हो जाते हैं, लीवर इंजरी भी हो सकती है अगर ज़्यादा डोज दे दी जाए तो उसकी,
एक्यूमलेट हो जाए लीवर में, अक्यूट सैलिसिलिक पॉइजनिंग भी हो सकती है, जो कि ऊपर वाले सिम्टम्स हैं वो सभी ऑब्जर्व होते हैं। कंट्राइंडिकेशन किस कंडीशन में इसे अवॉइड करते हैं, पेप्टिक अल्सर पेशेंट है उस कंडीशन में देंगे, ब्लीडिंग किसी डिसऑर्डर है तब भी नहीं देंगे, कोई ब्लीडिंग को कंडीशन में ब्लडिंग टाइम को ये बढ़ा देंगे इसलिए ब्लीडिंग डिसऑर्डर में नहीं देते हैं। हाइपरसेंसिटिविटी टू एसिड्स, इतने में एसिड्स की हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन हो रही है तो उस कंडीशन में ना दें किसी पेशेंट को। अंडर द 12 या जो 12 साल से बच्चे कम हैं उनको भी अवॉइड करते हैं, लिवर डिसीज़ में अवॉइड करते हैं, प्रेगनेंसी और मिल्क फीडिंग मदर या लैक्टेशन है उसमें भी अवॉइड करेंगे, चिकन पॉक्स इन्फ्लुएंजा इन्फेक्शन भी इसे अवॉइड करेंगे, इस कंडीशन में नहीं देते हैं। अब बात करता हूँ मैं पैरासीटामोल्स की। पैरासीटामोल्स आप जानते हैं जिसे हम एस्टोअमिनोफिन के नाम से जानते हैं, कालपोल है, क्रोसिन है, ये सभी क्या है, पैरासीटामोल्स होते हैं। पैरासीटामोल इनहिबिट द सिंथेसिस ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन इन द CNS, मेनली प्रोस्टा जो आपका पैरासीटामोल है ये आपका पेरीफेरल पार्ट में ना हो के ये आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम्स में जो आपका प्रोस्टाग्लैंडिन का सिंथेसिस है उसको इनहिबिट करते हैं बाय द इनहिबिटिंग द COX-1 एंड COX-2 एंजाइम इन द ब्रेन, यानी कि COX-2 और COX-1 यानी साइक्लोऑक्सीजनेज 1 और साइक्लोऑक्सीजनेज 2 एंजाइम जो ब्रेन के अंदर है उसको इनहिबिट कर देते हैं, जिससे ब्रेन के अंदर प्रोस्टाग्लैंडिन का प्रोडक्शन कम होगा, यानी हाइपोथैलेमस में लेवल ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन कम हो जाएगा, जिसकी वजह से फीवर नहीं होगा या फीवर को कम हो जाएगा, यानी एंटीपायरेटिक इफेक्ट ये प्रोड्यूस करेंगे। थस इट इनहिबिट द प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस इन द हाइपोथैलेमस एंड टेम्परेचर सेट अप टू 0.2 इज रिड्यूस, जिसकी वजह से टेम्परेचर ऑफ द बॉडी का वो कम हो जाता है। इट आल्सो इंक्रीज द पेन थ्रेशोल्ड एंड रिड्यूस पेन, यानी पेन थ्रेशोल्ड यानी पेन का जो थ्रेशोल्ड है यानी पेन जो जनरेट होने की जो सीमा है उसके जो इम्पल्स को ये बढ़ा देते हैं, जैसे कि पेन क्या होता है वो कम हो जाता है। इट हैज़ लेस इफेक्ट ऑन कॉक्स एंजाइम्स इन द पेरीफेरल टिश्यू, यानी पेरीफेरल टिश्यू में ये कॉक्स एंजाइम को इनहिबिट नहीं कर पाते हैं, इसलिए ये पेरीफेरली कोई इन्फ्लामेशन है उसमें ये हेल्पफुल नहीं होंगे, या पेरीफेरली कोई पेन हो रहा है उसमें इतने हेल्पफुल नहीं होते हैं। विच अकाउंट दे आर ये बीक एंटी इन्फ्लामेटरी एक्टिविटी, जिसकी वजह से जैसे अपने बीक एंटी इन्फ्लामेटरी एक्टिविटी होती है, एंटी पैराटिक एक्टिविटी एंटी इन्फ्लामेटरी एक्टिविटी इसमें कम है, किसमें, पैरासीटामोल या एस्टोमिनोफिन में, लेकिन आपकी एंटी पैराटिक एक्टिविटी इसकी अच्छी होती है, यानी कि ब्लड के या बॉडी के टेम्परेचर को बहुत जल्दी कम कर देता है, यानी फीवर में इफेक्टिव होता है पैरासीटामोल, लेकिन ये इन्फ्लामेशन में इतना इफेक्टिव नहीं है। इन्फ्लामेशन के लिए तो आप एस्पिरिन लीजिए, डेक्नोफ्लेक्स सोडियम लीजिए, एसलोफ्लेक लीजिए, न्यूसलाइड लीजिए, वो ज़्यादा इफेक्टिव हैं एज़ कम्पेयर टू द पैरासीटामोल्स। इंडिकेशन की बात करें तो ये ओवर द काउंटर ड्रग है। OTC ड्रग मतलब क्या है, जो आसानी से आपको मेडिकल में बिना विदाउट प्रिस्क्रिप्शन मिल जाती हैं, उन्हें हम OTC ड्रग या फिर ओवर द काउंटर ड्रग बोलते हैं, जिसमें प्रिस्क्रिप्शन की नीड नहीं होती है, वो आप ऐसे ही ड्रग खरीद सकते हैं। तो ये फीवर के लिए यूज़फुल हो सकती है, हेडेक में या मस्कुलोस्केलेटल या आपके मसल्स में पेन हो रहा है उसमें भी यूज़ हो सकती है, डायस्मेनोरिया मैं आपको बता चुका, ऑस्टियोआर्थराइटिस में भी यूज़ होती है। डोज की बात करें तो एडल्ट में 325 से लेकर 1000 mg तक, 1000 mg तो वैसे बहुत रेयर केसेस है, लेकिन 600 mg तक चलती है, जो आप उसे 650 mg एक्चुअली दी जाती है आजकल, तो ये आप ले सकते हैं। और चिल्ड्रन के लिए आपका जो डोज होती है वो आपकी 4-15 mg पर kg 4-2 hours दी जाती है, लेकिन ये प्रेगनेंसी में सेफ ड्रग है, इसको हम प्रेगनेंसी में दे सकते हैं जबकि एस्पिरिन को नहीं दे सकते। एडवर्स इफेक्ट की बात करें, पैरासीटामोल जो सेफ एंड वेल टॉलरेटेड ड्रग होती है, एडवर्स इफेक्ट इसके होते हैं लेकिन कब होंगे, जब ओवरडोज हो जाएगी, वो ड्रग का अमाउंट बहुत ज़्यादा दे दिया जाए, उस कंडीशन में क्या होगा, लीवर और किडनी डैमेज करती हैं ये, गैस्ट्रिक इरिटेशन करेगा, म्यूकोसा इरिटेशन करेगा, ब्लीडिंग करेगा, रेसिस भी हो सकते हैं, नॉसी, वोमिटिंग, स्वेटिंग कंडीशन हो सकती है। लेकिन कंट्राइंडिकेशन किस कंडीशन में इसे अवॉइड करना, पैरासीटामोल को हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन में नहीं देती है, पेप्टिक अल्सर के केस में नहीं देंगे, और अल्कोहल कोई ले रहा है तो उस कंडीशन में ना दें, नहीं तो वो लिवर डिसऑर्डर या लिवर डैमेज होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, उसे वोमिटिंग होंगी, नौजिया होगा, अगर किसी ने अल्कोहल लिया है उसको पैरासीटामोल दे देंगे तब, तो यार पैरासीटामोल ले रहा है तो वो अल्कोहल ना ले, बहुत अच्छा रहेगा। निमोसिलाइड इज एन एंटी इन्फ्लेमेटरी एनाल्जेसिक एंटी पैराटिक दैट सेलेक्टिवली इनहिबिट द COX-2 एंड बी इनहिबिट प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस। ये सेलेक्टिवली क्या करेंगे, COX-2 इनहिबिट करते हैं, और COX-2 इनहिबिट करने की वजह से ये बेस्ट हैं ड्यूरिंग द इन्फ्लामेटरी रिएक्शंस में। इंडिकेशन कहाँ कहाँ कंडीशन दिए आते हैं, पेनफुल इन्फ्लामेटरी कंडीशन में ये मोस्ट यूजफुल हैं, कोई इंजरी में पेन हो रहा है तो उसके लिए बहुत यूजफुल हैं, सेनोसाइटिस है, लोअर बैकेज है, डेंटल सर्जरी होने के बाद डेंटल में पेन है, डायस्मेनोरिया है, ब्यूराटिस बर्सोटाइटिस मतलब क्या है, जो आपका सेनेबिल जॉइंट होता है वहाँ की जो लास्ट लेयर होती है उन पर इन्फ्लामेशन हो जाता है, सेनेबिल जॉइंट के अंदर जो आउटर लेयर का इन्फ्लामेशन जिसे बर्सोटाइटिस बोलते हैं। पोस्ट ऑपरेटिव पेन है, कोई ऑपरेशन के बाद जो पेन हुआ है उसमें इफेक्टिव है, फीवर में और ऑस्टियोआर्थराइटिस में इफेक्टिव है। इसकी बेसिकली डोज जो होती है 100 mg
बीडी ली जाती है यानी 100 mg दो बार लेंगे सुबह और शाम। एडवर्स इफेक्ट की बात करें तो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एपिगैस्ट्रिक हार्टबर्न मनोक्सिया एंड लूज मोशन की चांसेस ज़्यादा रहते हैं अगर ये लेगा कोई पेशेंट तो। एपिगैस्ट्रिक हार्टबर्न, हार्टबर्न मतलब गैस बनना, नोजिया और लूज मोशंस, और डर्मेटोलॉजिकल भी एडवर्स इफेक्ट प्रोड्यूस होते हैं, रैशेस है, परप्यूराइटिस है, रेडनेस ऑफ स्किन है और थोड़ी इचिंग होती है, प्रोड्यूस होती है सेंट्रली, ये डिजनेस करते हैं और साथ में हेपेटिक फेलियर की कंडीशन भी प्रोड्यूस करेंगे अगर इसकी डोज ज़्यादा ले ली जाए। कंट्रा इंडिकेशन किस कंडीशन में अवॉइड करनी है, किसी को हेपेटिक या लिवर डिसऑर्डर है तो उसके ना दें, लॉन्ग टर्म यूज़ ना करें, प्रेगनेंसी और ब्रेस्ट फीडिंग में अवॉइड करते हैं क्योंकि ये लिवर पर ज़्यादा इफेक्ट डालती है, लिवर किडनी पर ज़्यादा इफेक्टिव होती है। और जो चिल्ड्रन 12 ईयर से कम है तो उनको भी ना दें क्योंकि वो उनका बॉडी में जो लिवर और किडनी इतनी डेवलप नहीं है कि वो उसको आसानी से बॉडी से एलिमिनेट कर पाएँ, नहीं तो वो डिपॉजिट हो जाएंगे न्यूमोसाइट और वो ज़्यादा ही इफेक्ट करेंगे किडनी फंक्शन के लिए, और लिवर फंक्शन और किडनी दोनों के लिए इफेक्ट करेंगे। इसलिए जो 12 ईयर से छोटे बच्चे हैं उनको ना अवॉइड करते हैं, साथ में प्रेगनेंसी कंडीशन में और लैक्टिंग मदर हैं उनको भी अवॉइड करेंगे, उनको न्यूमोसाइट ना प्रिस्क्राइब करेंगे। ये थ्री कंट्राइंडिकेटेड टू द थ्री कंडीशंस, तीनों के एजेस में लेस देन 12 ईयर एज ऑफ चिल्ड्रंस, प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन वुमेंस। अब बात करते हैं आइब्रोफिन। आइब्रोफिन इनहिबिट द कॉक्स एंजाइम एंड सप्रेस द सिंथेसिस ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन व्हिच इज द मेडिएटर्स ऑफ द पेन्स इन्फ्लामेशन एंड फीवर्स, यानी कि ये कॉक्स एंजाइम को इनहिबिट करती है, चाहे वो आपका कॉक्स 1 हो या कॉक्स 2 हो। इसके अलावा ये प्रोस्टाग्लैंडिन की सिंथेसिस कम कर देगी जिसकी वजह से पेन, इन्फ्लामेशन और फीवर तीनों ही कम हो जाते हैं। इट आल्सो इनहिबिट द थ्रोम्बोक्सिन A2 विच इज स्टिमुलेट द प्लेटलेट एग्रीगेशन एंड फॉर्मेशन ऑफ ब्लड क्लॉट। ये थ्रोम्बोक्सिन A2 के भी सिंथेसिस को खत्म कर देती है जिससे कि ब्लड का क्लॉट फॉर्म नहीं हो पाएगा। और इंडिकेशन की बात करें इस कंडीशन में देते हैं, ये भी ओवर द काउंटर ड्रग है यानी कि बिना प्रिस्क्रिप्शन के आप किसी मेडिकल से खरीद सकते हैं। फीवर में इफेक्टिव है, डायस्मोरिया में इफेक्टिव है, ऑस्टियोआर्थराइटिस में इफेक्टिव है, रिमेटोड आर्थराइटिस में इफेक्टिव है, मस्कुलेटन डिस्कॉर्डर हुआ इसमें भी, हेडेक, बेकेज, टूथ एच, पोस्ट मार्टम या पोस्ट ऑपरेटिव पेन हुआ है यानी आफ्टर ऑपरेशन के बाद में पेन है तो उसमें भी इफेक्टिव है। इसकी डोज जो है 400 mg से 800 mg TDS ली जाती है, बच्चों में ये 20 mg पर kg डे के हिसाब से ली जाती है। ठीक, इसके एडवर्स इफेक्ट की बात करें गैस्ट्रिक डिसकंफर्ट, नॉक्सिया, वोमिटिंग ये हो सकते हैं, गैस्ट्रिक इरोशन, ऑकुलेंट ऑफ ब्लड लॉस क्योंकि ये थ्रोम्बोक्सिन को इनहिबिट कर रहे हैं जिसकी वजह से ब्लड क्लॉट नहीं हो पाएगा तो ब्लड लॉस की चांसेस बढ़ जाते हैं, डिजनेस, बल्बिंग और विजन, रेडनेस और रैशेस, इचिंग और हाइपरसेंसिटिव रिएक्शन हो जाती है। और कंट्रा इंडिकेटेड है पेप्टिक अल्सर पेशेंट को अवॉइड करने, प्रेगनेंसी लैक्टेशन अवॉइड करते हैं, चिल्ड्रन अंडर द 7 ईयर्स ये अवॉइड करेंगे, हाइपरसेंसिटिव रिएक्शन वाले पेशेंट को भी नहीं देते हैं। ठीक है, ओवरऑल मैं एक बताऊँ आपको कि जितने भी आपके नेसिड्स हैं, नेसिड्स में केवल पैरासिटामोल्स है जो आप प्रेगनेंसी या फिर प्रेगनेंसी कंडीशन में या लैक्टेशन कंडीशन में दे सकते हैं मिल्क फीडिंग मदर को, बाकी सभी जो मेडिसिंस हैं वो कंट्राइंडिकेटेड रहती हैं नेसिड्स की सभी। केवल पैरासिटामोल इज़ अ सेफ ड्रग्स ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी एंड मिल्क फीडिंग अंदर कंडीशंस, एंड इट इज़ ऑल्सो पैरासिटामोल इज ऑल्सो द सेफ ड्रग फॉर द चिल्ड्रंस। लेकिन बाकी जितने भी नेसिड्स होते हैं वो आपके बच्चों के लिए हेल्प सेफ नहीं है क्योंकि ये डायरेक्टली क्या करते हैं, लिवर और किडनी पर इफेक्ट करते हैं, और क्योंकि बच्चों की जो किडनी है वो सॉरी लीवर है वो इतना स्ट्रॉन्ग या इतना डेवलप नहीं होता है जो इस ड्रग को आसानी से मेटाबोलाइज कर पाए, इसलिए इन ड्रगों को बच्चों में अवॉइड करते हैं। ठीक है, तो चाहे वो आप पैरासिटामोल्स ही दी जाएगी, बाकी सभी को अवॉइड किया जाएगा। फिर आती है डेक्लोमेफेनाक सोडियम इनहिबिट द सिंथेसिस ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन बाय इनहिबिट द कॉक्स एंजाइम एंड ल्यूकोसाइट्स माइग्रेशन। ये दो काम करेंगे आपके ल्यूकोसाइट जहाँ पर इन्फ्लामेशन है वहाँ पर ल्यूकोसाइट यानी ल्यूकोसाइट्स यानी कि WBC के माइग्रेशन को रोक देते हैं, साथ में प्रोस्टाग्लैंडिन के प्रोडक्शन को भी कम कर देते हैं, यानी कि इन्फ्लामेशन भी कम होगा, साथ में पेन भी कम होगा, साथ में इम्यून रिस्पॉन्स भी जो इन्फ्लामेशन रिएक्शंस हैं वो भी कम हो जाएंगी। इट इज़ समबार्ट कॉक्स टू सिलेक्टिव सो डैट इज ए बेटर इन द एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शन। ये कॉक्स टू सिलेक्टिव ज़्यादा है इसलिए इन्फ्लामेटरी कंडीशन जो रिस्पॉन्सिबल होती है वो कॉक्स टू एंजाइम की वजह से होती है, इसलिए इन्फ्लामेशन में मोस्ट इफेक्टिव ड्रग है। इट इज़ ऑल्सो ये पोटेंट एनाल्जेसिक रिफर्ड इन द माइल्ड टू मॉडरेट पेन। ये पोटेंट एनाल्जेसिक ड्रग है, पेन के लिए अच्छी ड्रग होती है कि मॉडरेट से सीवियर पेन हो दोनों ही कंडीशन में ये इफेक्टिव रहती है। इंडिकेशन की बात करें यूज़ किस किस कंडीशन में करेंगे, क्विक रिलीफ फॉर्म पेन हो तो एडिमा कंडीशन, टूथ एच के कंडीशन में ये क्विक रिलीफ करेगा, रिमेटोड आर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस में डायस्मोरिया,
बर्टोराइटिस, पेन इन द शोल्डर, हिप और एल्बो, जो जितने भी सेरेब्रल जॉइंट्स के हैं, जॉइंट्स हैं उनके लास्ट ऑफ लेयर जो होती है उसमें इन्फ्लामेशन को हम बर्सिटाइटिस बोलते हैं, उसमें इफेक्टिव है। एल्कोलोसिस, स्पंडलाइटिस, मतलब वही बताया था मैंने आपको कि दो बोन्स के बीच में कुछ ओवर ग्रोथिंग हो जाती है, जो आपके स्पेशली हम दो वर्टीब्रा के बीच में अगर ओवर ग्रोथिंग हो जाए उसके बाद में इन्फ्लामेशन की वजह से जो पेन होता है उसको हम एल्कोलोसिस स्पंडलाइटिस बोलते हैं, उसमें भी इफेक्टिव है। पोस्ट ऑपरेटिव एंड प्री पोस्ट ऑपरेटिव एंड पोस्ट ऑरमिक पेन, टोआरमिक पेन इन्फ्लामेशन, यानी ऑपरेशन के बाद में या कोई एक्सीडेंटल कंडीशन के बाद में जो पेन और इन्फ्लामेशन हो रहा है उसमें भी इफेक्टिव है। ऑकुलर इन्फ्लामेशन एंड पेन्स, ठीक है, ऑकुलर इन्फ्लामेशन हो गया हो तो ये भी उसमें डेक्लोफेनेक सोडियम आपका इफेक्टिव रहता है। 50 mg TDS इसकी डोज होती है, और अगर IM आप ड्रग दे रहे हैं तो 75 mg DIM से दे सकते हैं। इसमें एडवर्स इफेक्ट एपिगैस्ट्रिक पेन है, नोजिया, हेडक, डिजनेस, एसिस हैं, गैस्ट्रिक अल्सरेशन, सब ब्लीडिंग कर सकता है क्योंकि ये कॉक्स एंजाइम को इनहिबिट करेगा तो गैस्ट्रिक अल्सर बढ़ाएंगे क्योंकि ये आपके एसिड प्रोडक्शन को बढ़ा देते हैं, और हेपेटिक और रीनल डैमेज भी होने के चांसेस रहता है क्योंकि ये टाइटली डिपोजिट हो जाते हैं, आसानी से मेटालाइज नहीं हो पाते। कंट्रा इंडिकेटेड पेप्टिक अल्सर में अवॉइड करेंगे, चिल्ड्रन अंडर 7 ईयर एज उसमें अवॉइड करेंगे, किडनी डिसीज, लिवर डिसीज दोनों अवॉइड करेंगे, इन्फ्लामेटरी बॉल डिसीज भी अवॉइड करते हैं क्योंकि ये इंटेस्टाइन में भी इन्फ्लामेशन प्रोड्यूस कर सकते हैं, साथ में पेशेंट विद ब्लीडिंग डिसऑर्डर भी अवॉइड करेंगे क्योंकि एंटी इन्फ्लामेटरी इफेक्ट भी देते हैं। इसके अलावा जो है एसिनोफ्लैक है वो आपकी सिमिलर टू डेक्लोफेनेक है, डेक्लोफेनेक की सेम ही है, फ्यूअर साइड इफेक्ट एंड बेटर टॉलरेबिलिटी होती है ऐसे डेक्लोफेनेक के। 100 mg BD वो भी दी जाती है, 100 mg BD ये भी दी जाती है। अब बात करें तो नेसेट्स अदर भी हैं, जो आपके जितने नेसेट्स लगे हैं उसके सब यूज़ वही हैं जो आप सभी के थे, यहाँ आप देख सकते हैं उसके डोज के बारे में, यूज़ के बारे में। इस तरह आपका ये नेसेट्स ख़त्म हुआ। कोई इसमें डाउट्स हो नेसेट्स के अंदर, नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग के अंदर, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा, और आपको लगता है वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। कोई अगर लगता है कि ये वीडियो किसी को शेयर करने पर किसी को हेल्पफुल हो सकता है तो उसे ज़रूर शेयर कीजिएगा, और आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट ड्रग के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।